सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम वन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज उसके जो स्पॉटिंग द एरर, हर चैप्टर के लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिया होता है स्पॉटिंग द एरर का, वो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हम लोग वर्ब का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सेकेंड चैप्टर जो है टेंस, जो टेंस के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं हम आज उसको जो है फिनिश कर लेंगे स्पॉटिंग द एरर के। ठीक है, तो बिना विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट आपको और इजीली अच्छे से विजिबल रहे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। ठीक है, इसमें उसने बोला है कि मैंने उसे 20 सालों से नहीं देखा है, तो मैं ये श्योरिटी से नहीं कह सकता कि वो जिंदा है या नहीं। तो यहाँ पर आपने एकदम तुरंत पकड़ लिया होगा क्या गलती है। देखो, अगर आपने ये चैप्टर किया है तो यहाँ पर हम जब 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है, आपको पता होगा हम जब 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 1 हफ्ता, ऐसे कुछ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम फॉर लगाते हैं, सिंस नहीं लगाते हैं। सिंस हम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, अगर हम फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं जैसे 1942 या मंडे ऐसा कुछ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गोन। देखो यहाँ पर क्या गलती हुई, यहाँ पर गलती मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सी है, इसमें क्या बोल रहा है कि जब उसे उसका कुक नहीं मिला तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ है वो। ठीक है, हमारा जो कुक है वो कहाँ है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसने अपने अपनी वाइफ से पूछा, लेकिन हम यहाँ पर ये बात बता रहे हैं, हम पूछ नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उसने अपनी वाइफ से पूछा। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी और को वो बात बता रहे हैं तो हम उसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पूछेंगे कि वेयर हैड ही गोन नहीं बोलेंगे, वेयर ही हैड गोन बोलेंगे। हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि उसने ऐसा पूछा, हम किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन की हुई बात को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी और को बता रहे होते हैं तो उसको हम बिल्कुल क्वेश्चन की तरह उसके सामने पुट नहीं करते हैं, हम उसको सिंपली एक बात की तरह बताते हैं कि हाँ उसने अपनी वाइफ से ऐसा पूछा। तो हम जब वो बात उसने अपनी वाइफ से पूछा होगा कि हाँ वेयर हैड ही गोन, लेकिन हम किसी और को बता रहे हैं तो वो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बताएंगे। ठीक है, आई होप ये आप समझ पाए होंगे। तो हम बोलेंगे वेयर ही हैड गोन। ठीक है, नेक्स्ट है, Although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. इसमें बोल रहे हैं कि मैं जो क्रिकेट जो है वो 3 सालों से ज़्यादा से खेल रहा हूँ, बट मैं सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाया हूँ अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, आप थोड़ा देखने की कोशिश करना, यहाँ पर पार्ट ए में ही गलती है। ठीक है, देखो हम यूज़ करते हैं ना, जब आप जहाँ पर भी सिंस आ जाए, सिंस मंडे या फॉर 2 ईयर्स ऐसा कुछ आ जाए, देखो फॉर मोर देन 3 ईयर्स, तो ऐसे सेंटेंसेस जो बनते हैं वो बनते हैं आई हैव बीन, शी हैज़ बीन, इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। आई एम प्लेइंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये सिक्वेंस होगा आपके सेंटेंस का, जो है स्ट्रक्चर कम्प्लीट होगा। चलो देखते हैं, ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेना टेंस, तभी आपको इसके स्पॉटिंग एरर समझ में आएंगे। नेक्स्ट है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, इतनी जल्दी मॉर्निंग में कहाँ चला गया। तो इसमें क्या गलती लग रही है आपको, इसमें देखो पार्ट ए देखो आप, यहाँ पे आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चला गया, उसमें ये बोल रहा है। ठीक है, वो कहाँ जा सकता है, मतलब बेसिकली वो बता रहा है कि इतनी जल्दी मॉर्निंग में वो कहाँ जा सकता है, मुझे नहीं पता। तो आप ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो कितना इनकरेक्ट है, ये मैंने अभी आपको बताया है। देखो यहाँ पर हम किसी को बात बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, तो हम कुड पहले नहीं लाएंगे, हम सिंपली हम ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं पूछेंगे वेयर कुड ही हैव गोन, नहीं, हम सिंपली बोलेंगे वेयर ही कुड हैव गोन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। ठीक है, तो हमारा जो कुड है वो ही के बाद आएगा, अगर ये हम पूछ रहे होते तो हम कुड पहले लगाते सब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय द टाइम वी गॉट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ पर जो है आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर पहली बात तो
यार आप इसकी हिंदी समझ गए होंगे कि हम बाय द टाइम वी गॉट आर टिकट्स एंड एंटर द, जैसे ही हमने सिनेमा में एंटर किया, टिकट खरीदी, एंटर किया, शो जो है पहले से स्टार्ट हो चुका था, इसमें ये बोला है, इसकी हिंदी बता दी मैंने आपको। इसमें जो गड़बड़ है वो कौन सी कहाँ पर है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सी पार्ट में गड़बड़ है। अब आप देखो कहाँ पर है, हाँ ये रहा, सी पार्ट में गड़बड़ है। अब देखो सी पार्ट में क्या गड़बड़ हो सकती है, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, तो यहाँ पर जो गलती है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए इसको, ठीक है। यहाँ पर जो है द शो वॉज नहीं होगा, शो वॉज नहीं होगा, शो हैड ऑलरेडी बिगन होगा, ठीक है, क्योंकि शो जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका था, हमने ये यूज़ किया इसमें, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना शो हो चुका था, ऐसे सेंटेंसेस में हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, यानी कि आप बोलोगे द शो हैड ऑलरेडी बिगन, हैड आएगा, वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। टेंस का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तभी आप ये सारे स्पॉटिंग डायरर बना पाओगे। नेक्स्ट है, बाय द टाइम वी विल गेट आर टिकट एंड एंटर द सिनेमा, सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। अब देखो यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको, सिक्स में, वही ऊपर वाला आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या गलती हुई है। यहाँ पर सी पार्ट में गलती है, द शो विल हैव नहीं होगा, शो वुड हैव ऑलरेडी बिगन। जब हमारे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हम विल यूज़ नहीं करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, ठीक है। द शो वुड हैव ऑलरेडी बिगन, ठीक है, तो दिस वॉज द मिस्टेक। नेक्स्ट है सेवन्थ, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है। इसमें बोला है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखो मैंने आपको बताया, जब भी कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कोई भी दो बात हो रही है एक ही सेंटेंस में, तो जो पहली बात होगी वो तो आपका सिंपल में होगी, सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगी, अगर वो पास्ट का ही सेंटेंस है तो आपका। लेकिन जो दूसरी बात होगी वो होगी आपकी सिंपल पास्ट, मतलब दूसरी बात जो होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका सेवन्थ में, यहाँ पर सी में देखो, गोरी टोल्ड मी, ठीक है, पहली बात तो हमने सिंपल पास्ट टेंस में कर ली, दूसरी बात होगी पास्ट परफेक्ट में, तो आप बोलोगे हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आपका क्या आता है, हैड आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर ही हैड लेफ्ट आएगा, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी, अगर आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप समझ भी पा रहे होंगे बहुत इजीली। देखो, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंस सेंचुरीज, आप देख रहे हो सिंस सेंचुरीज, यहाँ पर आप देखो हम सिंस बहुत सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई शतक से, शतकों से हम कर रहे हैं, तो हम जब सेंचुरीज बोलते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंचुरीज हम ईयर्स के लिए भी फॉर यूज़ करते हैं, कि फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, तो सेंचुरी के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, सिंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम, इसमें क्या बोला है, ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम, यानी कि अब मतलब कोई इंसान बूढ़ा हो गया और इनफॉर्मिटी में बीमारियां वगैरह भी लगने लग जाती हैं, तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही बीमारियां वगैरह भी हमारे साथ जो है जुड़ने लग जाती हैं, तो वही सब इस बात में कही है। लेकिन आप सेंटेंस पे ध्यान दो, सेंटेंस में क्या बोला है, नाइन्थ सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखो, ओल्ड एज एंड इनफॉर्मिटी हैड बिगेन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर हैड के साथ किस क्या दी हुई है, सेकेंड फॉर्म दी है, एक तो होता है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था बिगन, शो हैड बिगन, ठीक है, तो बिगन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, तो हैड के साथ बिगन आएगा आपका, ठीक है, तो बी पार्ट आप देख सकते हैं नाइन्थ का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ, द पैसर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू, आगे देखते हैं इसका क्या बोला है, लेट अस टू इट, इसमें ये बोला है कि हमने पैसर बाई से पूछा कि भाई द पैसर बाय टोल्ड अस, हमें पैसर बाई ने बताया कि जो है मैरिज हॉल कहाँ पर है, ठीक है, उसने हमें बताया कि मैरिज हॉल कहाँ पर है, और उसने बल्कि हमें लीड भी किया रास्ता कि कहाँ पर आपको कैसे कैसे जाना है, बेसिकली ये बोला है इसमें। पर गलती देखो आप, यहाँ पर गलती आपको करनी है क्या, यहाँ पर
देखो द पैसर बाय टोल्ड अस, उसने हमें बताया, यहाँ तक ठीक है सेंटेंस। वेयर वॉज द मैरिज हॉल, यहाँ पर आप देख रहे हो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव में बन रहा है, क्वेश्चन में बन रहा है, लेकिन वो हमें बता रहा था कि मैरिज हॉल कहाँ पर है, तो हम ये नहीं बोलेंगे वेयर वॉज द मैरिज हॉल, हम बोलेंगे वेयर द मैरिज हॉल, मेरा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ठीक है ये बोलेंगे हम लोग, ठीक है वेयर द मैरिज हॉल वॉज। तो यहाँ पर आपको इसमें गड़ एंड इवन लेड अस टू इट, मतलब उसने हमें रास्ता भी बताया। तो हम बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो वॉज है ये आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना रहे हैं और बार बार ये एग्जाम में आता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो गया अभी थोड़े दिन, 10 क्वेश्चंस में ही, तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी ना कैप्चर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, चलो कोई नहीं देखते हैं। 11th में क्या बोला है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स अगो। अब 2 साल पहले उसने एग्ज़ाम पास किया है, मैंने 2 साल पहले एग्ज़ाम पास किया है, ये थोड़ी बोलोगे आप, ये बोलोगे मैंने 2 साल पहले एग्ज़ाम पास किया था, यही बोलोगे ना आप, ठीक है, या फिर आप ये बोलोगे मैंने 2 साल पहले एग्ज़ाम पास किया, तो आप ये आई हैव नहीं लगाओगे क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो, और हैव जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, ठीक है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आप पास्ट की बात बता रहे हो कि आपने 2 साल पहले पास किया है, तो आप बोलोगे सिंपली आप बोलोगे आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर्स अगो, ठीक है बस सिंपली ये बोलना है। नेक्स्ट है, सिंस ही ज्वाइंट दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, जस्ट जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन की है उसने कोई रिश्वत नहीं ली है अब तक। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, यहाँ पर छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है पार्ट बी में, तो ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। देखो जब से उसने सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट, ठीक है कि यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, हम जब बोलते हैं ना कि उसने कोई ब्राइब, मतलब उसने जब से उसने पोस्ट ज्वाइन की है अभी तक उसने कोई रिश्वत नहीं ली है, हम अब तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन की है उसने कोई रिश्वत नहीं ली है, तो ली है यानी कि अब तक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, उसने कोई रिश्वत नहीं ली, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे दिस पोस्ट सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही हैव नॉट टेकन एनी ब्राइब, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँगी। नेक्स्ट है थर्ड, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड, इरा परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। देखो सेम क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पे 13 का, ठीक है, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कहाँ पर गलती है, अब तो आपको पता चल गया होगा, जब आप बोलोगे ना मैंने एग्ज़ाम पास किया तो आप सीधा ये बोलोगे आई पास्ड द एग्जामिनेशन, आई हैव नहीं बोलोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप बोलोगे दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन, हैव नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ओ गॉड, ये तो पूरा ही कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई आज, चलो देखते हैं 14th, ही हैज़ रेड आउट, He has read four plays written by Shakespeare by the end of his vacation. यहाँ पर क्या गलती लग रही है, by the end of this his vacation. तो यहाँ पर आप बताओ क्या गलती लग रही है। देखो जब हम बोलते हैं ना by the end of his vacation, हम future की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि तब तक ये काम कर लेगा, ठीक है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हो, सेंटेंस देख रहे हो आप प्रेजेंट में आ रहा है, तो सेंटेंस आपका किस में आएगा, सेंटेंस आपका आएगा फ्यूचर टेंस में, आपका आएगा ही विल हैव रेड फोर प्लेज, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ही विल हैव रेड, ठीक है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द वेकेशन का मतलब है आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड, ये बोल रहे हैं उन्होंने कब चुराया, और व्हेन दे स्टोल द मनी, और ठीक है उसके बाद पूछ रहे हैं एंड वेयर डिड दे हाइड इट, मतलब उन्होंने कब चुराया पैसों को, कब चुराया और फिर उसको छुपाया कहाँ, ये बोला इसमें उन्होंने पैसे कब चुराए और उन्हें कहाँ छुपाया, ये बोला इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या लग रही है, देखो यहाँ पर इंटेरोगेटिव कुछ सेंटेंस बन रहा है, यानी कि पूछ रहे हैं यहाँ पे कुछ, जब यहाँ पूछ रहे हैं तो यहाँ भी तो पूछेंगे ना भाई,
ठीक है, जब हम पूछते हैं तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है इससे पहले, तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा होगा यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप टिक कर सकते हो। बट इसका करेक्ट क्या होगा सिक्वेंस आपका 15 वाले का, ये होगा वैन दे स्टोल के स्थान पर आ जाएगा वैन दिड, क्योंकि यहाँ पर भी देखो डिड आया ना, वेयर डिड दे हाइड इट, तो यहाँ पर भी वही आएगा वैन डिड दे स्टोल, ठीक है। तो यहाँ पर डिड आएगा तो आपका करेक्ट बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बैक साइड में सारे सॉल्यूशन भी जो है आप पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया, आप सॉल्यूशन के साथ खुद भी चेक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टीचर हैज़ टूक, देखो सिंपल पता लग गया वैसे तो, ही द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये टेक की सेकेंड फॉर्म है, तो आपके पास आपको बोलना है यहाँ पर होना चाहिए द टीचर हैज़ टेकन, तो यहीं पर हमारी जो है मिस्टेक है, सीधा सीधा पता चल गया, तो सिंपल सा एकदम, ठीक है। उसके बाद है फोर टाइम इमेमोरियल सी शैल्स, सॉरी शी मैं पढ़ नहीं पा रही इसको क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हुई है, इसको आज मैंने सही से कैप्चर नहीं किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैं समझ गई क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बोला है फोर टाइम मेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज बाय मैन, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि बहुत टाइम से जो है जो सी शेल्स होती है ना, सी में शेल्स होती हैं, वो जो है ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं, इंसान यूज़ कर रहे हैं उसको इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से जो सी समुद्री शेल्स होती है ना, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, उनको जो है कौन यूज़ कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो अब इसमें क्या गलती है आपकी, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर हमारा देखो ए में गलती है, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम टाइम इमेमोरियल लगाते हैं तो ये हमारी किस बात को बताता है, इन टाइम मेमोरियल, जब हमारा आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है इस वाले क्वेश्चन में कि टाइम मेमोरियल के साथ फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा बस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है आपका, ठीक है, टाइम मेमोरियल जो है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है टाइम मेमोरियल के साथ फॉर नहीं लगेगा, सिंस लगेगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द रिवर इज़ इन स्पेट एंड इट हैड ओवरफ्लोन इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। देखो अब यहाँ पर क्या गलती है, आपने अगर वर्ब का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने ये अच्छे से पकड़ लिया होगा कि यहाँ पर क्या गलती है, 18 के बी में आपकी यहाँ पर गलती है। क्या गलती है, जब ओवरफ्लो मतलब जब है, जब नदी जो है वो अपने किनारे से बाहर एकदम बाहर बहने लग जाती है, पानी नदी का पानी बाहर आ जाता है ना, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पर आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया है, हैज़ के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन ओवरफ्लोन नहीं आएगी। ओवरफ्लो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ओवरफ्लोड, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं होती है, ओवरफ्लोड होती है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ओवरफ्लोड आएगा यहाँ पे, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 19th, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो यहाँ पर आपने गलती तुरंत पकड़ ली होगी, सिंस लॉन्ग टाइम के साथ सिंस नहीं आता, फॉर आता है, सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर थ्री ईयर्स, इज गोइंग ऑन नहीं होता, हैज़ बीन गोइंग ऑन होगा, जहाँ भी फोर्थ टू ईयर्स सिंस मंडे, जहाँ भी फोर सिंस आ जाएगा ना, आप समझ जाना वहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन ऐसे वाले सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गलती है, हैज़ बीन गोइंग, ठीक है, 20 का आपका आ जाएगा यहाँ पे इस गोइंग के स्थान पर हैज़ बीन गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनाइसेंस ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स, आगे देखते हैं आगे दिया हुआ है क्या इसका, हाँ, हैव देयर ओन सेट ऑफ, यहाँ पर देखो आप, हैव देयर ओन सेट ऑफ एकम्पनिस्ट हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रैवल्ड विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस When they gave performances, तो इसमें बोल रहे हैं बेसिकली कि जितने भी भरतनाट्यम डांसर्स हैं वो साथ में ही जगह जगह पर जाते थे और डांस परफॉर्म करते थे, ठीक है, ये बोला है। तो यहाँ पर मिस्टेक हम लोगों को पकड़नी है सेंटेंस में, मिस्टेक कहाँ पर आपकी जो है वो हुई है, ठीक है, बेसिकली हमें मिस्टेक पकड़नी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी मिस्टेक है, मैं आपको बता दूँ, पहली बात तो ए में है, पार्ट ए में ही आपकी है, ठीक है। देखो
मैं आपको बताती हूँ। पार्ट ए में आपकी गलती है, क्या गलती है? इन द अर्ली ईयर ऑफ द रेनाइसेंस, जब हम इन द अर्ली ईयर ऑफ द रेनाइसेंस की बात करते हैं तो यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो जो हमारा पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव नहीं आएगा यहाँ पे। अब आगे देखो, हमने सेंटेंस में हेरिडेटेड आंसर्स के साथ हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हैव यूज़ किया है, हैव, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए, क्योंकि हमने बात किसकी कर दी है यहाँ पर, अर्ली ईयर्स ऑफ रेनाइसेंस, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का ही यूज़ करेंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दिस इज़ टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इसमें क्या गलती लग रही है आपको, दिस इज़ टर्न आउट टू बी वन ऑफ आर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या गलती है आपकी 22 में? यहाँ पर देखो, सिंपली आपको पता चल गया होगा, देखो ये देख रहे हो आप, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड अप मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट। जब हमारा सेंटेंस जो है वो हैव में बन रहा है ना, तो हम ये दिस इज टर्न आउट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस में बन रहा है सेंटेंस, तो हम दिस इज टर्न आउट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। हम बोलेंगे दिस हैज टर्नड आउट, ठीक है, दिस हैज टर्न आउट, यहाँ पर इज नहीं आएगा, हैज आएगा, दिस हैज टर्न आउट टू बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। अब देखो यहाँ पर आपको समझ तो आ गया होगा कुछ तो गड़बड़ है इसमें, लेकिन कहाँ, ही इज़ गिवन मी, देख रहे हो आप, ही इज़ गिवन मी क्या होता है, ठीक है, ही हैज़ गिवन मी होता है, ठीक है, उसने मुझे दिए अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सिंपली, क्योंकि हम लोग एक्टिव जो है वॉइस में हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ये अगर उसमें होता, क्या नाम है आपका, पैसिव वॉइस में, तो ही इज़ गिवन ठीक होता, बट उसके साथ बाय कहीं ना कहीं लगता है, यहाँ पर बाय नहीं है कहीं भी, ठीक है, वो आप आगे जो है जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो समझ जाओगे, अभी आप सिंपल टेंस पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम। देखो यहाँ तो आप पता ही चल गया होगा आपको, जब डिड आ जाए, जहाँ भी जिस सेंटेंस में डिड आ जाए उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और यहाँ पे वर्ब की क्या यूज़ कर रखा है, सेकंड फॉर्म यूज़ करिए, यहाँ पर आएगा आई डिड नॉट गो, ठीक है। ये ऐसी मिस्टेक है जो बड़े बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कर देते हैं वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है, एज शी इज़ लेट फॉर वर्क यस्टरडे She decided to skip breakfast and leave for office. ठीक है, देखो as she is late for the yesterday की बात हो रही है, तो she was late होगा पहली बात तो, ठीक है आपका, ठीक है, she is late नहीं होगा, she was late होगा आपका, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम past की बात कर रहे हैं, तो आपने simply पकड़ लिया होगा, यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, next देखते हैं, एक second। As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. देखो जो आप यहाँ पे, आप sentence देखो, यहाँ पर बोला है approached him, उसे approach किया and report him, report की बोलेंगे, reported बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है past form में है sentence, जो हमारा जो verb है, तो ये भी हमारा reported ही बनेगा, and reported the matter to him, ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका sentence बनेगा, reported, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें छोटी छोटी। नेक्स्ट है, द कॉलेज इज रनिंग कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अब आपको पता चल गया होगा, ये तो आपने बहुत बार देख लिए हैं, जब भी सिंस या फॉर आ जाए तो इज़ नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा, हैव बीन आएगा, तो कॉलेज के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, तो यहाँ पर आएगा द कॉलेज हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, ठीक है, तो हैज़ बीन रनिंग आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, डिड ही टेल यू, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई सेंटेंस में गड़बड़ नहीं है, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज़ नॉट बोलते हैं इसको, ठीक है, वैसे व्हाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। देखो जहाँ पर हैज़ आ जाए, हैव आ जाए, तो हम वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं,
थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला वो क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कल क्यों नहीं आया या वो कल क्यों नहीं आया था। जब एक ही सेंटेंस में पास्ट की पास्ट मतलब कि पास्ट का एक सेंटेंस है लेकिन दो बातें बोली जा रही हैं, तो पहली बात हम किस में बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन दूसरी बात जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोली गई है, यानी कि यहाँ पर हैज़ नहीं हैड यूज़ होगा, ठीक है। तो आपके बी में जो है प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा ही हैड नॉट कम यस्टरडे, ठीक है। आई होप मैं आपको कुछ तो समझा पा रही होंगी। अगर आप लोगों को खुद से स्टडी करना है तो आप जाके PDF में से खुद भी पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, ठीक है। कि किसी ने सपना देखा है कि मैं शेख, सपने में मैं शेख था जो कि 169th फ्लोर पे था ऑफ बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पे लास्ट नाइट आई ड्रीम देख रहे हो, मैंने सपना देखा। तो जब सपना देखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी आई के साथ। तो यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो आई ड्रीम्ड आएगा यहाँ पे, या आई ड्रीम्ड आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा ड्रीम्ड, आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जब हम पास्ट में यूज़ करते हैं आई के साथ। सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये ए में आपकी गलती है। नेक्स्ट है, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। अब ये तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या गलती है, क्योंकि जब सिंस या फॉर आता है तो हमारा वर नहीं आता है, हैज़ बीन, हैव बीन ऐसे आता है। तो जब दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे हैव आएगा, तो यहाँ पे आएगा शी एंड हर सिस्टर हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ईजी है ये तो, कुछ आ गया था। ओके, नोबडी सॉ हिम, ठीक है, नोबडी सो हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। देखो हम जब एक ही सेंटेंस में पास्ट सेंटेंस में दो बातें करते हैं तो पहली बात हमारी किस में होती है, सिंपल पास्ट टेंस में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी हमारी होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, सिंस द फायर हैड ब्रोकन इन हिज लोकेलिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड ब्रोकन, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बात होती है। तो यहाँ पर आपकी गलती किस में है, पार्ट बी में गलती है आपके 31 में, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ हाँ देखो यहाँ पर एक याद, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे 31 में, देखो एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बोला, जब भी कोई पास्ट का सेंटेंस है उसमें दो बातें बोली गई हैं, तो जो पहला एक्शन होगा वो होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस में, और जो दूसरा एक्शन होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहला एक्शन कौन सा है इसमें, सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, ठीक है। तो जब उसके लोकेलिटी में आग लग गई थी तो किसी ने उसको नहीं देखा, तो पहले तो आग लगी होगी तभी तो ये बात आई है कि उसे किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो पहला एक्शन हमारा क्या है, सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहला एक्शन सिंपल पास्ट में ही होता है। दूसरा एक्शन हुआ कि फिर उसके बाद उसके लोगों ने किसी को मतलब उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा, तो यहाँ पर आएगा नोबडी हैड सीन हिम, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, नोबडी हैज़ सीन हिम भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की तरह इसको यूज़ कर रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि नोबडी हैज़ हिम का प्रयोग करना यहाँ पर दिया हुआ है, प्रयोग करें सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का। देखो इसके बाद हमारा क्या है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे हमारा सिंस के बाद, तो सिंस से पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो आप बोलोगे नोबडी हैज़ सीन हिम, हैड नहीं हैज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंस से पहले। ये एक नया हमें जो है सीखने को मिली है, इवन मुझे भी ये चीज़ कन्फ्यूजन में थी मैं कि हैड नोबडी हैड आएगा या नोबडी हैज़ आएगा, क्यों, क्योंकि सिंस से पहले जो है सेंटेंस होगा नोबडी हैज़ मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। देखो अब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, देखो इसमें बोला है कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी टाइम अगले साल जो है रमेश अपनी डिग्री ले चुका होगा। जब चुका होगा आता है ना तो हम बोलते हैं विल हैव टेकन, ठीक है, चुका होगा, तो रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री, ठीक है, ये करेक्ट सिक्वेंस बनेगा इसका।
स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स. ठीक है, तो अब देखो फैमिलीज आर लिविंग नहीं होगा, फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर. ठीक है, तो यहाँ पर बी पार्ट में आपके जो है गड़बड़ है यहाँ पर. ठीक है, आर के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, हैव बीन आ जाएगा यहाँ पे. ये तो आप समझ ही गए होंगे बार बार करने के बाद इसको. नेक्स्ट है माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे. तो अब यहाँ पर क्या गलती है, आप देखो यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है. जब भी हम सिंपली बोलते हैं ना कि मेरे वो चला गया, हमने मतलब कि हम बेसिकली जो है ये कभी नहीं बोलते हैं कि आई हैव लेफ्ट फॉर द मुंबई लास्ट सैटरडे, मैंने मतलब कि लास्ट सैटरडे मैं मुंबई चली गई, ये नहीं बोलेंगे हम. हैज़ आई हैव लेफ्ट नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलते हैं आई लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे. सिंपल हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में. तो माई अंकल लेफ्ट फॉर द मुंबई फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, बस ये सिंपल आएगा, हैज़ नहीं आएगा. तो कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना कि आपको ना हैबिट बनानी पड़ती है कि हाँ ये इस तरीके से नहीं ऐसे ही बनेगा. नेक्स्ट देखते हैं. गुड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन. तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का, तो हाउ हैज़ शी क्यों आएगा, शी से पहले वर्ब क्यों आएगा, क्वेश्चन मार्क में होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है ये. तो हाउ शी हैज़ ग्रोन पर टेक लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हम बेसिकली हमने यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पर हमने बताया है, कोई यहाँ पर इंटरोगेटिव मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं यहाँ पे. तो हम बोलेंगे हाउ शी हैज़ ग्रोन, तो हैज़ बाद में आएगा शी के. नेक्स्ट है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग. सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है तो आप समझ गए होंगे हैव बीन हैज़ बीन आएगा. तो आई हैव बीन यहाँ पर आपका 36 में आ जाएगा आपका आई एट के स्थान पर आई हैव ईटन. ठीक है, आई हैव ईटन नथिंग. ठीक है, सिंस मॉर्निंग आप ऐसे टाइप का भी सेंटेंस बना सकते हो. आई हैव ईटन, मैंने सुबह से कोई भी कुछ भी नहीं खाया है, तो आई हैव ईटन नथिंग. ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स. ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि हैव को हम आई एन जी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, यूजअली हम नहीं करते हैं. ठीक है, तो इज़ हैविंग के स्थान पर हैज़ यूज़ करेंगे. ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, सिंपल, ज़्यादा सुपरफ्लूअस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है सेंटेंस को. जब सिंपली बन सकता है तो उसको सुपरफ्लूअस क्यों बनाना है ना. देखो आप 38 देख लेते हैं आप एक बार. देखो व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. जब मैं वहाँ गया तो चार्ल्स जो है वो गेम खेल रहा था चेस का. तो खेल रहा था तो चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम. ठीक है, इज नहीं आएगा वॉज, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर गलती है आपकी. ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट. सॉरी, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कॉन्ट्रोवर्सी. ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली सेंटेंस देखो, वैक्सीन जब वैक्सीन ने हिट किया मार्केट में तो इज़ डॉग्ड बाय कॉन्ट्रोवर्सी. तो कॉन्ट्रोवर्सी हुई उस टाइम पे. तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है 39 में जो है, आप सिंपली देखो द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, यानी कि हिट यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं. जब मार्केट में वैक्सीन ने हिट किया तो इज़ डॉग्ड नहीं होगा, वॉज डॉग्ड होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. इज़ डॉग्ड बाय कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, वॉज डॉग्ड बाय कॉन्ट्रोवर्सी विल बी करेक्ट आंसर. ठीक है, इसकी जगह पर वॉज का यूज़ करें क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल. विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर बात हम किसी को बता रहे हैं. ठीक है, वो हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, व्हाट हैज़ हैपेंड क्यों आएगा, व्हाट हैपेंड, सॉरी व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल. देखो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है 40th में, ये अभी भी हम देख चुके हैं. हमें विक्टिम ने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट हमारा आ गया, फर्स्ट हमारा सिंपल पास्ट में आ गया. दूसरा जब आता है हम पास्ट, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो एक ही सेंटेंस में जो मैं दो बातें होती हैं, तो पहली जो एक्शन होता है वो हमारा सिंपल पास्ट में हो गया, दूसरा जो एक्शन होता है हमारा वो होता है व्हाट हैज़ हैपेंड. ठीक है,
व्हाट हैज़ हैपेंड नहीं होगा, व्हाट हैड हैपेंड होगा, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा पास्ट परफेक्ट ही लगेगा कि क्या हुआ था, उसने हमें बताया कि क्या हुआ था, व्हाट हैड हैपेंड, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ सो अब मैंने आपको सॉरी यहाँ पर जल्दी जल्दी में क्या बता दिया, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो फर्स्ट एक्शन होता है वो, जो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट एक्शन जो हमारा होता है वो बेसिकली सिंपल पास्ट में पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा आर हिस्ट्री। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलैक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग फॉर रैशनल एंड मोरल सेल्फ। थोड़ा सा इसमें वोकैबलरी थोड़ी सी यूज़ की हुई है, तो यहाँ पर आपको वोकैबलरी नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है टेंस से रिलेटेड जो भी आपकी मिस्टेक है वो, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलैक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मोरल सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बी में, देखो देयर हैज़ बीन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आई आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलैक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैज़ बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग, या फिर हम यहाँ पर आप देख रहे हो देयर हैज़ बीन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ देयर हैज़ बीन हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग, तो यहाँ पर ए मतलब सिंगल चीज़ की बात हो रही है, तो देयर हैज़ बीन आएगा आपका, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 42, लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम ऑपरेशन कैम्प इन कैनिया ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। इसमें क्या बोला, लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स फ्रॉम ऑपरेशन प्रिजन कैम्प इन कैनिया ड्यूरिंग द वॉर, तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, ठीक है। लास्ट ईयर टू इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स, देखो लास्ट ईयर की बात करी है तो स्केप्स नहीं होगा, स्केप्ड होगा, स्केप्ड वो भागे, ठीक है। जब वो भाग गए तो हम वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पे स्केप्ड, ठीक है। तो बी में आपकी गलती है, यहाँ पे 42 में स्केप्स नहीं होगा, स्केप, क्योंकि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट की वर्ब यूज़ करेंगे ना भाई। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, माधुरी दीक्षित जी की बात हो रही है, माधुरी दीक्षित इज़ हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो हमने बोला इज़ हैविंग कुछ नहीं होता, ये हमेशा गलत होता है, तो कहीं भी आपको इज़ हैविंग ऐसा कुछ लगे तो उसको सीधा टिक कर देना एरर में, ठीक है। माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ठीक है, हैज़ आएगा यहाँ पे आपका, सिंपल हैज़, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ठीक है। देखो पहला हमें हमेशा देखो यहाँ पर पास्ट सेंटेंस की बात हुई है, दो बातें की गई हैं यहाँ पे, ठीक है, कि किसी ने उसको नहीं सुना जब से उसने इंडिया को छोड़ा है, तो पहला एक्शन क्या रहा होगा यहाँ पे, पहले उसने इंडिया छोड़ा होगा, ठीक है। तो पहले एक्शन को हमेशा पास्ट परफेक्ट में हम करते हैं, तो ही हैड लेफ्ट इंडिया आएगा, ठीक है। तो ये तो दूसरा एक्शन है, किसी ने उसको नहीं सुना, उसके बारे में किसी ने नहीं सुना अब तक, तो ये तो सेकंड एक्शन, जब से उसने इंडिया छोड़ा है उसके बाद उसे किसी ने नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं सुना, तो ये तो सेकंड ऑप्शन एक्शन है ना आपका, कि वो गया उसके बाद किसी ने नहीं सुना, तो पहला एक्शन क्या है आपका, उसने इंडिया छोड़ा, तो वो आपका हैड में आएगा, ही हैड लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ठीक है, फॉर गुड मतलब फॉर एवर के लिए, ठीक है। सिंस आप मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44 का। और दूसरा एक सेकंड, यहाँ पर तो और भी चीज़ें हैं, ओके 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 ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये मैंने गलती की है, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जब हम बोलते हैं ना लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट मुंबई, कुछ भी, तो हम सिंपल ही लेफ्ट लगाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन गलती का क्या है ना, यहाँ पे नो वन हर्ड नहीं आएगा, नो वन हैज़ हर्ड, किस नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, मतलब किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना है जब से वो इंडिया छोड़ के गया है, ही लेफ्ट इंडिया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम छोड़ के जा रहे होते हैं, कहीं से जा रहे होते हैं, तो सिंपली हम लेफ्ट बोलते हैं,
हैव नहीं यूज़ करते, हैड यूज़ नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके, ठीक है, नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग, इसका जो है ये होगा आंसर नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर, ठीक है, उससे पहले कि जो है टीचर जो है करेक्ट क्वेश्चन फिनिश करती, उससे पहले स्टूडेंट लोगों ने क्या करा, आंसर दे दिया फटाफट से, मतलब मैडम का सवाल ख़त्म भी नहीं हुआ, लोगों ने, बच्चों ने जवाब भी दे दिया। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है 45 में, देखो बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, ये तो ठीक है, ये पास्ट की बात हो रही है, जैसे टीचर मतलब कि टीचर वो फिनिश करने ही वाली थी अपना क्वेश्चन, उससे पहले ही स्टूडेंट ने आंसर दे दिया था, तो हम पास्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर, ये होगा, हैव गिवन नहीं होगा, हैड गिवन द आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, करेक्ट, हैड गिवन द आंसर, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट लोगों स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया था, क्योंकि ये पहला एक्शन है हमारा, उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया था, तो हमारा हैड गिवन आएगा यहाँ पे, ठीक है, पहले एक्शन को हम हैड के साथ प्रेजेंट करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है, शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या गलती है 46 में, जब भी यहाँ कहीं भी आ जाए ना सेंटेंस में येट, येट में यानी कि अभी तक नहीं किया है, तो जहाँ पर भी है आ जाता है ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल ये हो गया कि उसने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया, सिंपल ये हुआ, लेकिन जहाँ भी येट आ जाए ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, आप समझ जाना, शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट, ठीक है, तो आपका जो है शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट है आपका 47, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओइंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स टू बंगलोज, अब यहाँ पर क्या गलती है, परहैप्स यू डोंट नो, आपको नहीं पता, मैं देखो जैसे ही अभी हम लोगों ने हैव के बारे में पढ़ा ना, जैसे आई एम हैविंग कुछ नहीं होता है, हैविंग कुछ नहीं होता है, वैसे ही ओ के साथ भी, ओन के साथ भी आई एन जी नहीं लगता है, आप सीधा ये बोलोगे परहैप्स यू डू नॉट नो आई ओन अ फार्म हाउस, आई एम ओनिंग नहीं होता, आई ओन होता है, ओन आई एन जी फॉर्म में नहीं होता है, वो गलत हो जाता है सेंटेंस। नेक्स्ट है, व्हेन आनंद रीच हिज विलेज ही फाउंड, देखो यहाँ तो आप पता चल गया होगा आपका क्या गलती, फाउंड दैट ही द न्यूज़ अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, ठीक है, देखो इसमें क्या है कि पहले तो आनंद जो है वो गांव पहुंचा, फिर उसे पता चला, ही फाउंड दैट, ठीक है, ही फाउंड दैट, तो यहाँ पर क्या पता चला, पहला एक्शन क्या है, यहाँ पर दो एक्शन पास्ट के हैं, तो पहला एक तो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, ये तो हमें पता है, पर कौन सा होगा जो पहला एक्शन होगा, व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा व्हेन आनंद हैड रीच्ड हिज विलेज, ठीक है, 48 का, ओके, देखो एक सेकंड, अब देखो अभी हम लोग यहाँ पर गलती कर देते, देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर पहला एक्शन क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि ये सेंटेंस पास्ट में हो रहा है, एक दो एक्शन हो रहे हैं, तो दो में से एक एक्शन तो हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमारा वो एक्शन होगा जो पहले हुआ होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हो आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट हिज न्यूज़ अबाउट हिम प्रेसिडेड हिम, यानी कि जो उसकी न्यूज़ थी उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच चुकी थी, उसके पहुंचने की खबर वहां पहले ही फैल चुकी थी, यानी कि न्यूज़ पहले ही फैल चुकी है, तो न्यूज़ पहले फैली है उसके पहुंचने से पहले, तो पहला एक्शन क्या होगा, न्यूज़ अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम, तो यहां पर अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम नहीं आएगा, हैड प्रीसीडेड हिम हो जाएगा यहां पे हैड, क्योंकि पहला एक्शन हमारा क्या है, न्यूज़ फैल गई थी उसके पहुंचने से पहले ही, तो हैड प्रीसीडेड हिम, ठीक है, यहां पर हैड आएगा, तो ये गलती है आपकी, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पहला एक्शन कौन सा है, दूसरा एक्शन कौन सा है। अब देखो यहाँ पर जो है गलती पकड़ना बहुत मुश्किल है, आप ध्यान दो, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स, ठीक है, वो पहले ही घर पहुँच चुकी होगी जब वो पहुँचता है, घर पहुँचेगा, तो हमें तो ये तो पता ही है, जब हमारी फ्यूचर टेंस में बात हो रही है तो हमारा दो बातें, दोनों की दोनों बातें हमारी फ्यूचर में हम नहीं करते, एक हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ये तो कर रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखो शी विल ऑलरेडी रिटर्न, हम यहाँ पर कहने का मतलब ये है वह ऑलरेडी घर वापस पहुँच चुकी, वापस जा चुकी होगी,
जब वो पहुँचेगा। तो जा चुकी होगी के लिए हम ये बोलते हैं शी विल हैव रिटर्न्ड, ठीक है, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, वो जा चुकी होगी, वापस घर जा चुकी होगी। तो जा चुकी होगी के लिए हम बोलते हैं शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस के कहने का मतलब भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईच वन ऑफ दैम हैज़ शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो। यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है, ईच वन ऑफ दैम, अब यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर आप देखो, देखो ईच वन ऑफ दैम हैज़, ठीक है, हैज़ आएगा क्योंकि ईच का यूज़ हो गया, तो ईच वन का हुआ है तो हैज़ आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हैज़ और हैव के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, और हैव जो है वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हैव की थर्ड फॉर्म होगी आपकी हैड, तो यहाँ पे हैज़ हैड आएगा, हैज़ हैड हिज शेयर। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला सेंटेंस था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट है दिस कस्टम हैज़ बिकम, सॉरी हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स ए मेमोरियल। यहाँ पर क्या गलती है आपकी 51 में, यहाँ पर दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। कभी भी टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल होता है, ये आपको छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज़ विजिटिंग एज मैनी विलेजेस एज ही कैन टू एक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ये बोला है इसमें, ही इज़ विजिटिंग एज मैनी एज विलेजेस एज ही कैन, मतलब जब से वो इंडिया आया है तब से वो जितने गांव हो सकता है उतने गांव विजिट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है, देखो सिंस यहाँ पर आ रहा सिंस आ गया ना, सिंस हीज अराइवल इन इंडिया, तो ही इज़ विजिटिंग नहीं होगा, ही हैज़ बीन विजिटिंग एज मैनी एज विलेज, ठीक है। जहाँ पर सिंस फोर आ जाता है तो हम हैज़ बीन हैव बीन वाले सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो ही हैज़ बीन विजिटिंग एज मैनी एज विलेजेस एज ही कैन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी गलती है। नेक्स्ट है बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड। देखो हमेशा आपको याद रखना है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ना, हैविंग कभी नहीं होता, ओइंग कभी नहीं होता, ऐसे ही बिलीव के साथ भी आई एन जी कभी नहीं होता। बिलीव मी आई बिलीव वॉट एवर यू हैव सेड, तो यहाँ पर बट आई बिलीव आएगा सीधा, आई एम बिलीविंग नहीं होता है, ठीक है। बी में यहाँ पे आपकी गलती है 53 में, ठीक है। नेक्स्ट है बिलीव को कभी भी आई एन जी फॉर्म में मत करना, जहाँ भी आई एन जी फॉर्म में देखें उसको हटा दो, गलती हो रखी है वहाँ पे, समझ जाना तुरंत। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूज़फुल। इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग, मतलब ये टाइम है कि हम कुछ यूज़फुल करें। तो वी शुड हैव डन का मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है हमें कुछ यूज़फुल करना चाहिए था, इसका मतलब ये होता है। तो ये तो आप समझ जाओ सेंटेंस गलत है, पर गड़बड़ क्या है यहाँ पे, हमें करेक्ट कैसे करना है। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूज़फुल, ठीक है, तो वी डिड आएगा यहाँ पे, वी शुड हैव नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा तो सीधा सीधा पता चल रहा है इसमें गलती है। नेक्स्ट है एंड हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, मदर सैड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। देखो यहाँ पे पूछ रही है मम्मी जी कि आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है क्या, तो हमारा जो हैव है ना वो यू से पहले आ जाएगा, तो गलती हमारी सी में है। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, सिंपल, ये तो बहुत छोटा बच्चों वाला सवाल था आपका 55, जिसमें आपका एरर था सी में। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, ठीक है। तो देखो मैं आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, 56 में आप देखना, ये बिल्कुल करेक्ट है वैसे, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक मैं कंप्यूटर खरीदने जा रही हूँ जब प्राइस कम होंगे, तो व्हेन प्राइस कम्स डाउन हो जाएगा, प्राइजेस कम्स डाउन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्राइजेस है तो ये हमारा प्लूरल बन जाता और यहाँ पर कम आता, लेकिन हमने कम्स बोला है तो प्राइस कम्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्राइस कम्स डाउन, प्राइजेस नहीं आएगा, प्राइस आएगा। नेक्स्ट भी देख लो हाथ के हाथ, आई विश आई हैव लर्न्ड स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग,
पास्ट की बात कर रहा है, जब मैं यंग था तो मैं विश करता हूँ काश मैं स्विमिंग सीख लेता, ठीक है, तो आई हैव लर्नड नहीं आएगा, आई हैड लर्नड हैड आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट में होता है हैव, ठीक है। तो बी में आपकी गड़बड़ है 57 में, ठीक है, हैव को हैड में चेंज करना है। आई होप मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बेस्ट आपको समझा पाई होंगी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ही आप इसको समझ पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।